हर कैमरा में पैदा पीछे रहता है। ट्यूटोरियल का चला गया जरूरत हम किलो और सामने सामने को जो लाए और सामने साथ अब बाय मैन वेलन सर जी हमारे नहीं वो देख रहे थे और मीटर भी लगाए और हारे भी तो बहुत सारे लाइन था। हाँ अच्छा कई बार में दोनों हो गए लोग तो चढ़ा है लेकिन थोड़ा लापरवाही हो गई। उनके पास में डिवाइडर था उसके पास जगह था बाहर खाने के नहीं हम बिकवा रहा हारे भी आगे ही मार रहे क्या आपको महत्व मुखर जाना था क्या नाम है सौरभ गाड़ी कैसे लड़ा उधर से आ रहा है हम लोग उधर जा रहे थे उधर से लोग ब्रेक वाला मार दिया खाते खाते पलट गया। किस साइड से जा रहा था ये गाड़ी हम लोग इस साइड से जा रहे थे गंदे उधर पुल था ना उससे घूमने के लिए जा रहे थे आया तो मार दिया तीन बजे पलटा और पलट से टक्कर हो गई है सर। कितने बच्चे घायल हुए थे कितने लोग इलाज चल रहा है अभी जैसे ये सूचना मिली हमारी एम्बुलेंस वहाँ गई थी और बच्चों को एम्बुलेंस ही लाया गया है। 10 बच्चे यहाँ पे घायल अवस्था में लाए गए थे सारे बच्चे सुरक्षित हैं सबका माइनर भी इंजरी थी और सबको ट्रीटमेंट कर दिया गया। सर कितने लोगों का इलाज किया गया है 10 बच्चे हैं और 3 रोडवेज में जिसके साथ टक्कर हुई थी तो वो रोडवेज से भी 3 महिलाएं हैं जिनको चोट आई है हल्की चोट है कोई गंभीर किसी को चोट ड्राइवर भी चल रहा है बस के ड्राइवर को के पैर में फ्रैक्चर बोला जा रहा है बताया जा रहा है और लेकिन वो सुरक्षित है वो भी सुरक्षित है। देखिए आज एक दुखद घटना हुई है बेसिकली यहाँ लगभग 1:45 के आसपास एक स्कूल की बस जो यहाँ से हिंदुवारी की तरफ जा रही थी और उसको राइट टर्न करके गांव में बच्चों को लेके जाना था। लगभग 20 या 22 बच्चे उस स्कूल पे मिनी बस पे सवार थे। उधर बनारस साइड से एक रोडवेज की बस आ रही थी और उसी में ये दुर्घटना हुई थी। लगभग तुरंत जैसे सूचना मिली एम्बुलेंस और बाकी पुलिस की टीम वहाँ पहुँची मौके से जो घायल लोग थे उनको यहाँ लोढ़ी हॉस्पिटल में लाया गया है। इमीडिएट जो यहाँ उपलब्ध पूरी चिकित्सक की जो टीम थी उनके द्वारा देखा गया बच्चों का परीक्षण किया जा चुका है। टोटल 14 लोग आए थे इसमें जिसमें स्कूली बस के 10 लोग थे और 4 लोग उस रोडवेज के थे। प्राथमिक उपचार जो वहाँ उपचार के बाद सारे बच्चे सकुशल एकदम ठीक हैं और किसी तरीके से कोई गंभीर चोट किसी बच्चे को नहीं है। जो बस के ड्राइवर थे उन ड्राइवर के पैर में चोट आई है उनका एक्सरे वगैरह कराया जा रहा है जिसके माध्यम से पता चलेगा कि बस ड्राइवर को कोई फ्रैक्चर या ये तो नहीं है। 4 व्यक्ति उस रोडवेज के भी आए थे सबका यहाँ अच्छी तरीके से इलाज हो रहा है। सर कितने बच्चे घायल हैं सीटी स्कैन करने की बात आ रही है नहीं सीटी स्कैन एक बच्चे का वो चूँकि डॉक्टर साहब द्वारा प्राथमिक स्तर पे ये किसी तरीके की कोई लापरवाही न होने पाए और एक ओपिनियन बन सके इसके लिए उस बच्चे का वहाँ कराया गया था और जैसा अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया कि सीटी स्कैन उसका ठीक है कोई किसी तरीके की बात नहीं अभी तक। अब देखिए ये एक दुर्घटना हुई है प्रथम दृष्टया हम सारे लोगों का उद्देश्य ये होता है कि किसी तरीके से जो हमारे बच्चों को हल्की फुल्की ही सही चोटें आई हुई हैं कोई मेंटल ट्रामा की स्थिति ना हो और अपने अपने घरों को सकुशल जाएं। बाकी कौन किसके पास लाइसेंस था नहीं था ये तो जांच का विषय सब देख लिया जाएगा।